हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए। जैसे दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी हमने बात किया है कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या बनता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें। तो बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है जो ब्रिटल मटेरियल के लिए हम ड्रा करते हैं वो कैसे ड्रा होता है। देखो, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। जो हमारा ब्रिटल मटेरियल दोस्तों एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम कोई भी अगर हम सडन ब्रेक लगाते हैं, यानी सडन क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो ऐसा मटेरियल हमारा कहलाता है ब्रिटल मटेरियल। कहने का मतलब जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। हमारा ग्लास क्या होता है, जैसे भी हमने क्या करते हैं उसमें स्ट्रेस जनरेट करते हैं, तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो क्या होता है, वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा सडन ब्रेक हो जाए अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो हमारा ऐसा मटेरियल दोस्तों कहलाता है, कैसा कहलाता है, ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। तो बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ की। तो दोस्तों, मैं बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ की, हमारा कैसे ड्रा होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तुम्हारा जो एक्स एक्सिस होता है इसमें दोस्तों हमारा होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन जिससे हम ई से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। और हमारा जो स्ट्रेस होता है उससे हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस में, क्या करते हैं, वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। जो हमारा ग्राफ होता है ये देखो, अब हमारा मटेरियल कहता है ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल की अगर प्रॉपर्टी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसे ड्रा होगा। जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं वो हम बनाते हैं यूटीएम में, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, तो देखो क्या होता है कि फर्स्टली सपोज अभी मैंने कुछ देर के लिए मान लिया हमारा ब्रिटल एक मटेरियल है। अब हम क्या है, इसमें कुछ टाइम तक क्या होता है, जब हम स्ट्रेस लगाते हैं उतना ही स्ट्रेन भी क्या होता है, डेवलप होता है। यानी कहने का मतलब नियर बात हम कर रहे हैं, टोटली नहीं बात कर रहे, एक नियर बात कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम देखें, ए ओ पॉइंट मैंने कंसीडर किया, इसको मैं ए पॉइंट ले लूं और इसको मैं बी पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो ओ और ए क्या है, जो हमारा ओ और ए ये शो कर रहा है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व क्या है, दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। वो भी कितना, अप्रोक्सीमेट, पूरी तरीके से नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट क्या है, प्रोपोर्शनल है दोनों, कौन, स्ट्रेस डायरेक्टली हमारा क्या है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब ओ से ए पॉइंट तक हमारा जाता है, बट जब ए पॉइंट की बात क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही कम होती है इसमें। तो क्या होता है, एक समय ऐसा होता है हल्का सा ओनली ब्रेकिंग पॉइंट हमारा जनरेट होता है और हमारा ए से बी हमारा क्या होता है, ये फ्रैक्चर हो जाता है। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जैसे आपने बिल्डिंग देखा होगा, बिल्डिंग क्या है, हमारा ब्रिटल मटेरियल है, बिल्डिंग में क्या होता है, कोई हमारी बिल्डिंग है, थोड़ा सा क्या होता, थोड़ा सा क्रैक हुआ, वो धीरे धीरे क्रैक क्या होता है, अपनी नीचे की पोजीशन पे यहां तक ड्रा होता है और अचानक हमारी बिल्डिंग क्या होती है, टूट जाती है। तो वह हमारा क्या, ब्रिटल मटेरियल का है। यहां भी दोस्तों वही केस होता है, हमारा ओ से ही क्या है, डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। फिर एक समय ऐसा होता है थोड़ा सा ब्रेकिंग पॉइंट होता है और जब हमारा बी पे जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि हमारा मटेरियल कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। इसमें दोस्तों जैसे कि हमने उसमें इलास्टिक में क्या था, जो हमारा पढ़ रहे थे हम डक्टाइल में, तो वहां क्या होता, इलास्टिक लिमिट हमारा जनरेट होता था, यील्ड पॉइंट मिलता था, हमारा अल्टीमेट पॉइंट होता था, बट ब्रिटल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मटेरियल हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टूट जाता है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों फ्रैक्चर पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ए सी बी है, ये हमारा क्या तरीके से फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये दोस्तों हमारा होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ, जो क्या करता है, डायरेक्टली शो करता है कि हमारा मटेरियल क्या है, फोर्स स्ट्रेस और स्ट्रेन के नियर अबाउट लग रहा है, जो अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमारा मटेरियल ब्रेकिंग पॉइंट पे आता है और क्या होता है, अचानक क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये दोस्तों होता है ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेन और स्ट्रेन कर्व। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ किस तरीके से ड्रा होता है।